नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू, आप देख रहे हैं नूर फाइव। दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल कर सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक और शेयर। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, आगे जो डिश लगी है, जो सबसे आगे डिश लगी है देख सकते हैं, वो थाईकॉम 78 स्पेस सेट है। यहाँ देख सकते हैं जिस पर काफ़ी एल एन बी लगी हुई है, ये डी डी फी डिश पे मेन एल एन बी सेट है। देख सकते हैं डी डी फी डिश किस तरह से सेट है, और उसके ठीक इस तरफ देख सकते हैं थाईकॉम 78 किस तरह से सेट है। देख सकते हैं एल एन बी कुछ इस तरह से लगी हुई है। थोड़ा हम और पास से दिखा दें तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से डिश सेट है। देख सकते हैं इसकी जो मेन एल एन बी है, ये डी डी फी डिश पे सेट है ये वाली डिश, और उसके बगल में जो लगी है ये थाईकॉम 78 इस पे सेट है। तो देख सकते हैं फिर से किस तरह से सेट है। और दोस्तों इसमें टाटा स्काई की एल एन बी लगी हुई है। अगर आप कोई और एल एन बी लगाते हैं तो आपका सिग्नल नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे और चैनल भी रिसीव नहीं होंगे। तो हमने 2 फीट डिश पे सेट किया दोस्तों, अगर आप 3 से 4 फीट डिश पे सेट करेंगे तो काफ़ी चैनल मिल जाएंगे सेटेलाइट पे, और 2 फीट पे थोड़ा कम चैनल रिसीव होते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, अगर आपकी टाटा स्काई की इस टाइप की एल एन बी है तो आप लगा सकते हैं, इस पे सिग्नल आपका मिल जाएगा नए मॉडल वाली। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एल एन बी पड़ी हुई है। एक ये होती है जो डिश टीवी में लगती है, मोनोब्लॉक एल एन बी। अगर इस एल एन बी को आप लगाते हैं तो आपका सिग्नल मिल जाएगा थाईकॉम 78 ईस्ट का। और यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के एल एन बी लगाते हैं तो आपका सिग्नल नहीं मिलेगा, और इस टाइप के भी आप लगाते हैं नहीं मिलेगा देख सकते हैं। और इस टाइप का एल एन बी जो है आप लगाते हैं सिग्नल नहीं मिलेगा। तो आप टाटा स्काई के एल एन बी लगा सकते हैं, देख सकते हैं एल एन बी किस तरह की है और किस तरह से लगी हुई है। ये एल एन बी पे अच्छा सिग्नल मिल जाता है, और दूसरी एल एन बी जो है मोनोब्लॉक की, इस पर काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल जाता है, इंडिया में रिसीव हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नीचे और देख लेते हैं कौन कौन से चैनल कितने चैनल रिसीव होते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, थाईकॉम क्यूबैंड सेटेलाइट का कवरेज मैप है। देख सकते हैं इंडिया में इसका कवरेज बहुत ही कम है दोस्तों, फिर भी हमने सुना है दोस्तों दिल्ली, लखनऊ, नेपाल, इलाहाबाद इस साइड में इसका सिग्नल मिल जाता है। 2 फीट 3 फीट 4 फीट डिश पे इसका सिग्नल आराम से मिल जाता है। हमारी लोकेशन है जौनपुर सिटी, जो कि हमारे यहाँ, तो 2 फीट डिश पे इसका सिग्नल मिल जाता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कवरेज मैप है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। इसकी स्ट्रांग टीपी इम्पैक्ट 2 इम्पैक्ट 4 दोनों बॉक्स में इस टीपी को आप यूज कर सकते हैं। 12688 वर्टिकल 30,000। यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं ब्लेंड स्कैन, यहाँ पर इसको टीवी कर देते हैं, इसको नो ही रखते हैं ताकि फिटवेयर स्क्रम्बल दोनों चैनल रिसीव हो जाए। यहाँ पर कर देते हैं ओके। और दोस्तों थाईकॉम 78 ईस्ट ये जो सेटेलाइट है, इसको आपको ट्रैक करना है तो शाम को 7:30 बजे के करीब इस सेटेलाइट को ट्रैक करें, तभी आपका इस पर इस सेटेलाइट का सिग्नल आपको मिलेगा। उससे पहले करेंगे तो सिग्नल तो मिलेगा लेकिन अच्छे से नहीं मिलेगा, पूरी तरह से नहीं मिलेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। तो शाम को, अगर शाम के समय आप करते हैं तो बहुत अच्छे से ये सेटेलाइट ट्रैक हो जाएगी। तो देख सकते हैं कुछ चैनल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 148 के लगभग चैनल आ चुके हैं। वीडियो को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, पूरी वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, करते हैं ओके। दोस्तों जब आप 12688 वर्टिकल 30,000 वाली टीवी पे सिग्नल लाएंगे तो आप अपनी डिश सेट कर लीजिएगा, और उसके बाद इस टीवी पे देख सकते हैं 5+ नाम की जो चैनल है, इस टीपी पे आपको ठीक से अच्छे से अपनी डिश सेट कर लेनी है। 12405 वर्टिकल 45,000, तो आपके सारे सारे चैनल रिसीव हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वक्त अभी स्क्रैम्बल चैनल जो कि चल रहे हैं, कुछ स्क्रैम्बल चैनल जो कि फ्यूटवेयर चल रहे हैं, देख सकते हैं हाई शॉपिंग ये नहीं चल रहा है,
उसके बाद ये हफ्ती, उसके बाद देखिए मीडिया ऑनलाइन, देख सकते हैं कोई स्क्रैम्बल चैनल देख सकते हैं, चल रहा है CGTN के नाम से है, चैनल 7, उसके बाद रेडर्स चैनल, और देख सकते हैं स्क्रैम्बल है फिर भी चल रहे हैं, इसके GTV का पूरा पूरा सीरियल इस चैनल पे आता रहता है, लेकिन लैंग्वेज इसकी चाइनीज है। टॉप TV देख सकते हैं सर 99, ये भी चल रहा है, तालिबान, MVM, टी मार्केट देख सकते हैं, ये फ्री टू एयर चैनल की तरफ हम आ चुके हैं, और उसके बाद कूल चैनल, दोस्तों डिश को आपको 7:30 बजे शाम को सेट करना है, तब अच्छे से सेट हो पाएगी आपकी डिश। काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल आ रहे हैं दोस्तों, अब 5+ चैनल पे तो हिंदी में सीरियल आते रहते हैं, कलश TV का सीरियल जो है वो आते रहते हैं, फार्मर चैनल और ये MRTV स्पोर्ट, ये सब चैनल थोड़ा दिन में चलते हैं, शाम के समय बंद हो जाते हैं। उसके बाद DLTV के नाम से चैनल है, काफ़ी DLTV के नाम से चैनल देख सकते हैं, यहाँ तक है 37-38 चैनल है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।